इंडस्ट्री में गुजारे हैं और आज इसका प्रीमियर भी है, आप एक होता है कि नए बच्चों को कुछ ना कुछ एक दिया जाता है कि आप ये करिए, आप गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र क्या देना? देखिए मैं तो पहली चीज तो ना तो मैं खुद को गुरु मानता हूँ, हम सब इस इंडस्ट्री के लर्नर्स हैं, रोज सीख रहे हैं, चाहे आपके 15 बरस हो गए हो, 20 हो गए हो, 25 हो गए हो, जितने भी साल हो जाए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये एक ऐसा काम है, इट्स कॉल्ड टीम वर्क, और वो टीम वर्क में चाहे कोई 20 साल पुराना और 2 दिन पुराने के जिसके को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, और वही हुआ। अगर ये मुझसे कह रहे हैं, ये सो स्वीट ऑफ विशी टू से सो, बट आई हैव ऑल्सो लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम, यू नो, हिज सिंगल माइंडेडनेस, यू नो, इनकी एकाग्रता, ये मेथड एक्टर हैं, तो ये अपने उसी कैरेक्टर में रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते हैं जब तक के सीन खत्म ना हो जाए। और उसमें देखिए अलग अलग तरीके हैं एक्टिंग करने के, लेकिन उसमें भी एक खास बात है, आप अगर आप मुझे दो चीज तीन चीजें जो मैंने नोटिस की वो अगले परफॉर्मेंस में मैं यूज करने वाला हूँ, और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। विद प्लेजर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई जस्ट वांट टू अपील टू एवरीबॉडी दैट प्लीज 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 डू गिव दिस मूवी अ चांस, जस्ट गो अहेड एंड वॉच इट एंड डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ दैट वेदर एंड यू कैन रेट द मूवी फॉर योरसेल्फ, बट डू गो watch Ranveer The Marshal. We've put our heart and soul into it, all of us, every single one person, so please do come and watch. सभी देखने वालों को मेरे और ऋषि की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू। I don't know.
place, and the time is come. कोई भी ऐसी फिल्म आई है जिसमें मार्शल आर्ट का बहुत यूज किया है सो आई होप ऑडियंस विल एंजॉय दिस दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एंड लाइक यू नो रशि को क्या बोलना चाहेंगी बचपन से उन्होंने मार्शल आर्ट किया हुआ है एंड फिर मूवी में मार्शल आर्ट और एक लुक भी उनका एक ऐसा है राइट या I wish him all the very best and क्योंकि वो मार्शल आर्ट करते हैं तो वो एक बहुत फिटनेस रहती है और मैं वैसे भी यू नो एक फिटनेस आप इस इंडस्ट्री में तो आपको फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और जैसे हम बोलते हैं मार्शल आर्ट एकदम बोलते हैं तो हम अक्षय कुमार से रिलेट करते हैं आई होपफुली कि अब हम इस मूवी के बाद उन्हें रिलेट करेंगे डेफिनेटली आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज पूरी टीम ने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया है और जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू That's a lovely question. To begin with, I myself am a martial artist. I've done my training of Taekwondo when I was very young. When I started when I was 14 years old and I was trained with my master Javed Khan. Who's a Taekwondo black belt 10 dan now and he's based in the Indianapolis in America. So I'm a hardcore martial art fan. In fact, whenever on television we are watching movies, any martial art movies, Duncan Mong, Duncan Master, I'm just stuck to it. I love action films, especially martial art action films. Unfortunately, there are not many martial art films which are made in our country, and maybe because a lot of youth are not aware of martial art films and martial art. I think today, if we have films made and maybe we have young kids to follow to see, especially like we have action heroes like John Abraham or Akshay Kumar who are spreading the art of martial arts so well, and I think especially with a film like Brothers which came recently. So I think there should be many more films which should be made on martial art and the lovely concepts. I mean, of course, we cannot compare to the ones made in internationally, especially the films in Hong Kong and China. But why not? We can still give it a try. Thank you so much. Moment, you know, being a model and actor that I got to represent India at the Commonwealth and win a gold medal, and it's a pride when you know you can have your national flag there, you know, in front of all the other international countries and proudly claim a gold medal for your country. I think it's a